में पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे शब्द भेद। ठीक है, तो शब्द भेद का आपको मालूम होना चाहिए कि शब्द भेद पे से इसमें देखिए, अगर मैं बात करूँ, देखिए शब्द भेद एक या अधिक वर्णों से बनी हुई क्या होती है आपकी, एक मतलब एक अनेक वर्णों से बनी हुई एक सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं हम, उसे जैसे बनाते हैं तो उसे हम, उस सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो अनेक वर्णों से बनी होती है उसे हम, उस रचना भेद को क्या कहते हैं हम, तो उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब शब्दों की प्राकृति क्या होती है आपकी, अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि इन्हीं अलग अलग की प्राकृति के भेद को समझने के लिए ही हम शब्द भेद का अध्ययन हमें आवश्यक है। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो बात कर लेते हैं शब्द भेद की। ठीक है, शब्द भेद अगर मैं बात करूँ शब्द भेद की, शब्द भेद कहते किसे हैं, ठीक है, शब्द भेद, तो शब्द भेद के आधार पर बात करूँ, देखिए शब्द भेद आपके दो आधार पर होते हैं। ठीक है, एक आधार होता है इसमें आपका रचना के, यानी कि एक होता है रचना के आधार पर, एक होता है स्रोत के आधार पर। ठीक है, एक क्या होता है आपका स्रोत के आधार पर, ठीक है, शब्द का भेद स्रोत के आधार पर। ठीक है, पहला क्या होता है आपका स्रोत के आधार पर, ठीक है, स्रोत के आधार पर। दूसरे शब्द होते हैं इसमें आपके रचना के आधार पर। ठीक है, दूसरे कैसे होते हैं आपके, रचना के आधार पर। ठीक है, दूसरे प्रकार होते हैं इसमें आपके रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर मैं बात करूं स्रोत के आधार पर, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें स्रोत के आधार पर जो शब्द होते हैं, स्रोत के आधार पर, ठीक है, तो स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द की अगर इसकी बात करूं मैं, तो स्रोत के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं तो ये भी आपके देखिए दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, देखिए इनमें अगर बात करूं तो स्रोत के आधार पर आपके तो होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए स्रोत के आधार पर होते हैं आपके, एक तो होते हैं आपके तत्सम। ठीक है, क्या होते हैं, तत्सम। ठीक है, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। ठीक है, तत्सम, तद्भव आपका, और अंत देखिए अर्ध तत्सम होते हैं। एक शब्द क्या होते हैं आपके, अर्ध तत्सम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अर्ध तत्सम शब्द भी होते हैं। ठीक है, तो एक होते हैं आपके अर्ध तत्सम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अर्ध तत्सम, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें होते हैं आपके देशज और विदेशज। एक एक प्रकार में तो ये होते हैं आपके, इसमें दूसरे प्रकार में होते हैं देशज और विदेशज। ठीक है, देशज शब्द, ठीक है, देशज और आपके विदेशज शब्द। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है विदेशज शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार के तो इसमें ये हो गए। अब बात करें रचना के आधार पर, देखिए रचना के आधार पर अगर बात की जाए तो ये स्रोत के आधार पर हो गए। अब बात करें रचना के आधार पर, ठीक है, तो रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं रचना के आधार पर शब्दों की, तो रचना के आधार पर आपके कौन कौन से शब्द होंगे, देखिए इसमें होते हैं आपके रूढ़ शब्द। क्या होते हैं आपके, देखिए रचना के आधार पर आपका एक होता है रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द। दूसरा होता है इसमें आपका यौगिक शब्द। ठीक है, क्या होता है आपका, यौगिक शब्द। ठीक है, और एक होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। ठीक है, क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो इतने प्रकार के तो आपके शब्द हो गए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्रोत के आधार पर और रचना के आधार पर। अब इनके कितने कितने प्रकार के होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे भी चलिए, ठीक है, शुरू में बात कर लेते हैं हम, पहला बात कर लेते हैं स्रोत के आधार पर जो हमने बात करी थी। देखिए तो तत्सम शब्द हो गए आपके, तत्वब हो गए और आपके अर्ध तत्सम हो गए। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ स्रोत के आधार पर कैसे बात करेंगे, ठीक है, तो स्रोत के आधार पर जो मैंने आपसे कहा, स्रोत के आधार पर देखिए जैसे आपका क्या हो गया, पुर्तगाली शब्द हो गया। ठीक है, पुर्तगाली हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ये क्या है, सब भाषा के शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। क्या है ये, अन्य शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रचलित है, उनके स्रोत के आधार पर हम इन्हें अलग अलग भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो उसी आधार पर इन्हें हम बांटते हैं, यानी कि स्रोत के आधार पर। जैसे आपका क्या हो गया,
पुर्तगाली हो गया, ठीक है, पुर्तगाली हो गया आपका, अरबी हो गया, अरबी हो गया आपका, फारसी हो गया, फारसी हो गया आपका, और इसमें आपका अंग्रेजी हो गया। क्या हो गया आपका? अंग्रेजी हो गया। देखिए तो इन शब्दों की अगर बात करूं मैं, अगर इन शब्दों की बात करूं, देखिए तो इनसे ये क्या है आपके, जो भी शब्द हैं ये आगत शब्द विदेशी भाषा के शब्दों से जो आए हैं। देखिए ये क्या है आपके, सारे विदेशी भाषा के शब्द हैं, ठीक है, ये क्या है आपके, विदेशी भाषा के ही तो शब्द है सारे ये, ठीक है, ये क्या आपके विदेशी भाषा के शब्द हैं, ठीक है, क्या है, विदेशी भाषा के शब्दों के जो अतिरिक्त अन्य शब्द आए हैं उनके स्रोत के आधार पर हम इन प्रकार उन्हें बांटते हैं, ठीक है, ये क्या आपके विदेशी शब्द है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा आपके तत्सम शब्द, ठीक है, तत्सम तद्भव और अर्धतत्सम, ठीक है। देखिए तत्सम शब्द का अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर बात करें हम तत्सम शब्द की, क्या बात करें, तत्सम शब्द की, देखिए तो तत्सम शब्द में देखिए तत्सम शब्द आपका क्या होता है, यानी कि जो होता है तत् और सम से मिलकर बना है। तत्सम शब्द आपका काय से मिलकर बना है, तत् और सम से मिलकर बना है, ठीक है, यानी कि तत् प्लस आपका सम से मिलकर बना है तत्सम, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, अगर अर्थ की बात करूं, देखिए जिसका अर्थ होता है उसके समान, ठीक है। अब इसके अर्थ की बात करूं, इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है मतलब उसके समान, ठीक है, अर्थ क्या होता है, उसके समान, ठीक है, उसके समान अर्थ इसका ये हो गया। तो और ये आपका संस्कृत के समान, ठीक है, संस्कृत अर्थात कहें हम संस्कृत के समान जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हीं को हम प्रयुक्त करते हैं तो तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, संस्कृत संस्कृत के समान, ठीक है, और इसे आप कह सकते हैं संस्कृत के समान भी, ठीक है, संस्कृत के समान, ठीक है, जो शब्द आए हैं वो आपके तत्सम शब्द हैं, ठीक है, उसके समान उसका अर्थ उसके समान इसमें होता है, ठीक है। आगे बात करें तत्भव शब्द की, देखिए तत्भव शब्द की अगर मैं बात करूं आपकी, तत्भव शब्द, तत्भव शब्द, ठीक है, तत्भव शब्द की अगर बात करूं, तत्भव शब्द की, तो ये शब्द क्या होता है, इसमें जो आपका बना है तो ये बना है आपका तत् प्लस भव से मिलकर बना है, काय से बना है, तत् प्लस भव से मिलकर बना है, ठीक है, काय से बना है, तत् प्लस भव से मिलकर ये आपका शब्द बना है तत्भव, ठीक है। इसका अर्थ होता है क्या, देखिए जिसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न या विकसित, ठीक है, अर्थ क्या होता है, उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न या विकसित, ठीक है, उससे उत्पन्न, उत्पन्न या विकसित, ठीक है, उत्पन्न या विकसित, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं आपका हम तत्भव, ठीक है। तो कहने को अगर मैं कहूं, देखिए शब्द जो संस्कृत से संस्कृत में उत्पन्न उत्पन्न हुआ हो या उससे विकसित हुआ हो, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो या उससे विकसित हुआ हो, ठीक है, क्या हुआ आपका, संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुआ हो, ठीक है, उत्पन्न या आपका विकसित हुआ हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका, तत्भव शब्द कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं तीसरा है इसमें आपका अर्ध तत्सम शब्द, देखिए अर्ध तत्सम शब्द की अगर मैं बात करूं आपका, अर्ध तत्सम शब्द, ठीक है, अर्ध तत्सम शब्द, देखिए अर्ध तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत को कहते हैं, मतलब अर्ध तत्सम उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं हम जो आपकी प्राकृतिक भाषा में बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ होरी रूप में हो गए हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। ये काय के हैं, संस्कृत शब्दों को ही कहते हैं, किन्हें कहते हैं हम, संस्कृत बात करूँ तो यहाँ पर आपका संस्कृत शब्दों को ही हम इन्हें कहते हैं, लेकिन ये क्या है आपके, जो आपकी बहुत ही भाषा प्राकृतिक भाषा थी, ठीक है, तो उसके शब्द जो बिगड़ते बिगड़ते उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप में हो गए हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए तीनों शब्दों की अगर बात करूं मैं,
आपका तत्सम, तद्भव और अतत्सम के, तो इसमें हम शब्दों को अलग अलग प्रकार से आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ मैं आपके सामने वर्ण लिख देता हूँ, ठीक है, कि आपको उनको पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखते रहें, इधर हम लिख लेते हैं आपका, पहला लिख लेते हैं आपका तत्सम, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं तत्सम, ठीक है, तत्सम, और यहाँ पर लिख देते हैं अर्धतत्सम, अर्धतत्सम, और यहाँ पर आ जाएगा आपका तद्भव। ठीक है, अब इसमें हम आसानी रहेगी आपको बताने के लिए, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपका यहाँ पर ये अलग अलग लिख दिए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार कौन सा वर्ण तद्भव है और तत्सम है। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रख के इसका चलना है। देखिए अगर मैं कहूँ जैसे आपका, अगर मैं कहूँ आग, क्या कहूँ आपसे, आग, देखिए पहले तो हम यहाँ से बात कर लेते हैं। देखिए अर्धसम शब्द को अगर छोड़ देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे बता देता हूँ, इसमें जैसे तत्सम में क्या बोलते हैं, आज्ञा बोला हमने, क्या बोला आपका, आज्ञा। ठीक है, तो अर्धतत्सम में क्या बोलेंगे इसे, देखिए इसे बोलेंगे आर्य। ठीक है, आज्ञा, आग्र्या। ठीक है, क्या बोलेंगे, आग्र्या। ठीक है, तो इसी प्रकार तत्भव में क्या होता है, इसे बोलते हैं आग, क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, अंग्या। ठीक है, अर्धतत्सम में क्या हो जाएगा आपका, अंग्या। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बिगड़ गए हैं, देखिए अंग्या कोई शब्द इस टाइम पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो शब्द आपके बचे हैं, जैसे मैं कहूँगा आपका तत्सम में क्या होता है, तत्सम में बोलते हैं हम अग्नि। ठीक है, अग्नि बोलते हैं, अग्नि, अग्नि। ठीक है, तो तत्सम का रूप है। अगर इसे अर्धतत्सम में बात करूँ तो इसे बोलेंगे अग्नि। ठीक है, अग्नि, क्या बोलेंगे, आंगनी, आंगनी। ठीक है, और तत्भव में जो होगा ये आपका होगा आग, क्या होगा आपका, आग होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार हम आगे बात कर लेते हैं आपके तत्सम और तत्भव की। ठीक है, तत्सम क्या होते हैं और तत्भव क्या होते हैं, ठीक है, उसके शब्दों के बारे में, तो इसमें देखते रहेंगे आगे। तत्भव, अगर मैं तत्भव शब्दों की बात करूँ, तत्भव, ठीक है, तत्भव, और इधर बात करेंगे तत्सम शब्दों की, तत्सम क्या होते हैं। तत्भव और तत्सम में अंतर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे तत्भव में क्या, जैसे मैं कहूँ आपसे अगार, क्या कहूँ आपसे, एगार। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, एगार। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, तत्सम हो गया, और इसका जो तत्भव हो गया, जो इसका तत्सम रूप होगा वो क्या होगा, देखिए इसका तत्सम रूप जो होगा आपका वो होगा आगार, क्या होगा आपका, आगार। ठीक है, क्या होगा आपका, आगार। ठीक है, तो आपके ये ऐसे बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, ए का जो आ में हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं कहूँ आगम, ठीक है, तत्सम में कहूँ मैं आप, तत्भव में कहूँ आपसे आगम, ठीक है, क्या कहूँ आपसे, आगम। ठीक है, आगम, तो इसका तत्सम क्या होगा, देखिए आगम का जो तत्सम होगा आपका, तो ये होगा आगम्य, क्या होगा आपका, आगम्य। ठीक है, आगम्य। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, जैसे मैं कहूँ आपसे अहेर, ठीक है, क्या कहूँ, अहेर। ठीक है, तो अहेर होता है आपका, अहेर को बोलेंगे हम आखेट, क्या बोलेंगे, आखेट। ठीक है, आ हेट। ठीक है, जैसे ही और शब्द ले लेते हैं, और शब्द जैसे तत्सम, तत्सम। ठीक है, आगे की बात करें तो आगे देखेंगे, जैसे मैं कहूँ तत्सम और तत्भव में अंतर क्या हो, देखिए तत्सम की अगर बात की जाए यहाँ पर, तत्भव, और आपका इधर रहेगा तत्सम। ठीक है, क्या रहेगा, तत्सम। तो तत्सम और तत्भव की अगर बात की जाए, जैसे आगे ये वर्ड तो आपके ये हो गए, और इसमें वर्ड क्या क्या, देखिए जैसे मैं कहूँ आपका अदरक, ठीक है, जिसे बोलते हैं अदरक, जैसे अदरक कहूँ मैं,
देखिए क्या कहूँ, अर्धरक, ठीक है, अर्धरक, अदरक, ठीक है, तो इसे तत्सम में क्या कहेंगे, आद्रक, ठीक है, क्या कहेंगे, आद्रक, ठीक है, आद्रक, ठीक है, तत्सम में ये कहेंगे। जैसे मैं कहूँ आपका अनाज, क्या कहूँ, अनाज, ठीक है, तो तत्सम में क्या होगा आपका, अन्न होगा, ठीक है, क्या होगा आपका, अन्न होगा। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपका अरम, क्या कहूँ आपका, अरम, तो उसी प्रकार इसमें क्या होगा आपका, अर्क होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, अर्क हो जाएगा, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें वर्ण आते हैं आपके, देखिए बहुत सारे वर्ण इसमें आपके हो जाएंगे, ठीक है, तो उसी प्रकार हम आगे इसमें बात करते हैं आपकी। जैसे देखिए ये तो आपके ए के हो गए, अब आ के जो शब्द बन जाएंगे, ठीक है, ये तो आपके ए के हो गए जो ऐसे आ में बनते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ के शब्दों की अगर बात करूँ, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे आँख, क्या कहूँ आपके, आँख, ठीक है, तो आँख का जो तत्सम होगा वो क्या होगा आपका, अच्छी, ठीक है, क्या होगा आपका, अच्छी, ठीक है। उसी प्रकार मैं आगे कहूँ, देखिए जैसे मैं कहूँ आपका आँत, ठीक है, क्या कहूँ आपका, आँत, ठीक है, तो आँत का जो होगा आपका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, आँत का तत्व का तत्सम जो होगा वो होगा आपका आत्र, क्या होगा आपका, आत्र, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ जैसे आपका देखिए आम, क्या कहूँ, आम, आम क्या आपका तत्सम है और इसका तत्सम होगा वो होगा आपका देखिए आम्र, क्या होगा तत्सम इसका, आम्र, ठीक है, क्या होगा, आम्र होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आगे और बात, जैसे मैं कहूँ आपका आठ, ठीक है, आठ तत्सम का क्या होगा आपका, ये तत्सम हो गया, जो इसका तत्सम होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका अष्ट, क्या होगा आपका, अष्ट, ठीक है, क्या होगा, अष्ट होगा, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रख के चलना है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम देखिए ई की, ठीक है, तो आपके ये और बता दो, चलो इसमें थोड़े से और देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे देखिए, अब मैं कहूँ जैसे आपसे आग, ठीक है, तो आग का जो तत्सम होगा वो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा आपका, अग्नि, क्या होगा आपका तत्सम, आपका अग्नि होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपका आस, ठीक है, तो आस का तत्सम जो होगा आपका वो होगा आपका आशा, ठीक है, क्या होगा, आशा, ठीक है, क्या होगा, आशा। चलिए उसी प्रकार अब आगे बात करते हैं ई से जो शब्द बनते हैं। देखिए ई के शब्दों की अगर बात करूँ तत्सम और तत्वम की, देखिए शुरू में आपके जो तत्वम हैं और लास्ट में आपके इधर जो लिख रहा हूँ मैं तत्सम शब्द हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रख के चलना है। जैसे मैं कहूँ आपसे देखिए ई खट्टा, ठीक है, क्या कहूँ आपसे, ई के टे ठा, ठीक है, तो इकट्ठा का तत्सम जो होगा आपका वो होगा आपका एकत्र, ठीक है, क्या होगा, एकत्र होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ आपका इतना, क्या कहूँ आपका, इतना, इतना का जो तत्सम होगा आपका ये तत्व है आपका इतना, तो इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, देखिए इसका होगा ईयत, क्या होगा आपका, ईयत, ठीक है, ईयत आपका तत्सम होगा, ठीक है। ऐसे ही और शब्दों की अगर बात करूँ आपका, कहूँ मैं आपसे इस, क्या कहूँ आपसे, इस, ठीक है, तो इसका तत्सम जो होगा आपका वो होगा आपका एत्स्य, क्या होगा आपका, एत्स्य, क्या होगा, एत्स्य, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ इसमें और आपका देखिए इमली, क्या कहूँ आपका, इमली, ठीक है, इमली, तो इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, देखिए इसका होगा अमली का, क्या होगा तत्सम, अमली का, ठीक है, तो ये इसका तत्सम हो जाएगा, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बड़ी ई के शब्द की। देखिए बड़ी ई से जो आपके बनने वाले हैं उसके बारे में, देखिए तो शुरू में आपके तत्पव लिख रहा हूँ, बाद में आपके मैं तत्सम लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपका ईंट, ईंट, तो ईंट का जो तत्सम होगा वो क्या होगा, देखिए ईंट का तत्सम होगा आपका इसी का, क्या होगा, इसी का, ठीक है, क्या होता है, इसी का होता है, ठीक है। और ऐसे ही बात करूँ मैं ईंख की, देखिए ईंख का जो तत्सम होता है आपका वो क्या होता है, वो होता है इछू, क्या होता है, इछू, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं आगे ईंधन की, ईंधन तत्सम की, देखिए ईंधन तत्सम शब्द का जो तत्सम होगा वो क्या होगा, देखिए ईंधन तत्सम है आपका और इसका तत्सम होगा वो होगा आपका ईंधन, क्या होगा आपका, ईंधन, ठीक है। उसी प्रकार में इसमें आगे बात करूं, जैसे मैं कहूं ईर्ष्या, ईर्ष्या का तत्सम जो होगा आपका वो होगा ईर्ष्या,
ठीक है, क्या होगा आपका, ईर्ष्या। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं और शब्द की। देखिए और शब्द क्या ले लेते हैं इसमें, अब ऊ वाले शब्द ले लेते हैं। ठीक है, आपके मैं वर्णमाला के अनुसार ही चल रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, देखिए ऊ के शब्द की अगर बात करूँ तत्भव की, जैसे मैं कहूँ उड़, ठीक है, क्या कहूँ आपसे, उड़। ठीक है, देखिए उड़ को मैंने क्या लिखा तत्भव में इस प्रकार। ठीक है, तो तत्भव क्या होगा इसका, तत्भव होगा आपका उड़। ठीक है, क्या बनेगा आपका, उड़। ठीक है, ऊ डे उड। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका तत्सम। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ जैसे आपका उगना, तत्भव क्या, उगना, इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा आपका उद्गत। क्या बनेगा, उद्गत। ठीक है, क्या बनेगा आपका, उद्गत। ठीक है, और शब्द लेते हैं, जैसे मैं कहूँ आपका, देखिए मैं कहूँ आपका उल्लू, क्या कहूँ, उल्लू क्या हो गया आपका, तत्भव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, तत्भव हो गया उल्लू। ठीक है, जो इसका तत्सम बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए इसका तत्सम बनेगा आपका उलुक। क्या बनेगा आपका, उलुक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपका, देखिए आपसे कहूँ ऊछा, क्या कहूँ आपसे, ऊछा। ठीक है, तो ये तत्भव है, ऊछा क्या है, ये तत्भव है। और तत्सम क्या होगा आपका, उत्साह इसका। ठीक है, तत्सम क्या होगा आपका इसका, उत्साह। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपका, देखिए उठ, क्या कहूँ आपके, उठ, तत्भव क्या है आपका, उठ। तो इसका तत्सम बनेगा, वो बनेगा आपका उत्तिष्ठ। क्या बनेगा आपका, उत्तिष्ठ। ठीक है, उसी प्रकार मैं आगे बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपका, देखिए जैसे उंगली, उंगली का देखिए उंगली क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उंगली, क्या बोलते हैं, उंगली। ठीक है, ये तत्भव है, इसका जो तत्सम बनेगा आपका बनेगा अंगुली। क्या बनेगा आपका, अंगुली। ठीक है, क्या बनेगा, अंगुली। ठीक है, तो ये आपके ऊ के शब्द हो गए। ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ जो मेन मेन है। ठीक है, बहुत सारे शब्द बन जाते हैं लेकिन मैं आपको केवल मेन ही मेन इसके शब्द लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब दूसरे उसे बनने वाले शब्दों की, देखिए इस बड़े उसे बनने वाले शब्दों के बारे में। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपका तद्भव क्या होता है, जैसे बोलते हैं हम ऊंचा, क्या बोलते हैं, ऊंचा। तो इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम होगा आपका उच्च। क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ इस तद्भव जो है आपका शब्द है ऊँट, क्या है, ऊँट। और इसका तत्सम क्या होगा आपका, ये होगा आपका उष्ट। क्या होगा, उष्ट। ठीक है, तत्सम क्या होगा इसका, उष्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ जैसे ऊसर, ठीक है, मैं क्या कहूँ आपसे, ऊसर। ठीक है, ऊसर क्या है, ये तत्भव शब्द है। ठीक है, जो इसका तत्सम होगा वो होगा आपका ऊसर। ठीक है, क्या होगा आपका, ऊसर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपका उन, क्या कहूँ आपका, उन, ये क्या आपका तत्भव शब्द है। जो इसका तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका ऊर्णा। क्या होगा आपका, ऊर्णा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं आपके ए और ए के शब्दों की। देखिए ए और ए के शब्दों की, इनसे जो शब्द बनते हैं आपके। देखिए जैसे मैं कहूँ आपका तत्भव में कहूँ आपका एका, क्या कहूँ आपका, एका। ठीक है, तो इसका तत्भव जो होगा आपका वो होगा आपका एक्य। क्या होगा आपका, एक्य। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ जैसे आपसे ऐसा, ठीक है, क्या कहूँ आपसे, ऐसा। ठीक है, जो इसका तत्भव होगा वो होगा आपका ईदृश। क्या होगा आपका, ईदृश। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या होगा आपका, ईदृश। ठीक है, ऐसे ही और वर्ण ले लेते हैं। देखिए एक वर्ण और ले लेता हूँ, जैसे कहूँ आपका एक लोता, क्या कहूँ आपका, एक लोता। ये क्या आपका तत्भव शब्द है। ठीक है, ये क्या आपका तत्भव शब्द है। ठीक है, तो इसका जो होगा तत्सम वो होगा आपका एकल पुत्र। क्या होगा आपका, एकल पुत्र। ठीक है, एकल पुत्र होगा इसका तत्सम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे और वर्ण ले लेते हैं। देखिए और वर्ण में मैं बात करूं, जैसे आपका ले लेते हैं हम औ, क्या ले लेते हैं, औ। तो ओ उसे जो शब्द बनते हैं, देखिए तो इसमें क्या क्या वर्ण बनते हैं। देखिए जैसे मैं कहूं आपका, जैसे मैं कहूं आपका ओंट, क्या कहूं, ओंट। ये क्या आपका तत्भव है, इसका तत्सम बनेगा वो बनेगा आपका ओष्ट। क्या बनेगा, ओष्ट। ठीक है, ऐसे ही मैं और वर्ड की बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपका और,
ठीक है, तत्भव क्या कहूँ और, इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा आपका अवर, क्या होगा अवर, ठीक है, जो तत्सम होगा। ऐसे ही जैसे मैं कहूँ आपका देखिए ओला, क्या कहूँ आपका ओला ओला, ठीक है, जो इसका तत्सम होगा वो होगा आपका उपल, क्या होगा उपल, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपका देखिए ओस, क्या कहूँ ओस, ठीक है, तो ओस का जो आपका तत्सम बनेगा वो बनेगा अब ये, ठीक है, क्या बनेगा आपका अब से ये आया, ठीक है, अब से ये आए, ठीक है, अब से आए, तो ये इसका तत्सम बनेगा, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड इसमें आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अहो की, देखिए अहो से जो वर्ड बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जितने भी वर्ण हैं आपके ये मेन मेन हैं, ठीक है, ठीके? जैसे मैं कहूँ तत्भव में क्या कहूँ आपका ओगुन, ओ गुण, ठीक है, ओगुन, इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा आपका अवगुण, ठीक है, क्या बनेगा तत्सम अवगुण, ठीक है, क्या बनेगा अवगुण। जैसे मैं कहूँ आपका तत्भव में और, क्या कहूँ आपका और, ठीक है, जो इसका तत्सम बनेगा वो बनेगा आपका अपर, ठीक है, क्या बनेगा आपका अपर, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपका औंधा, क्या कहूँ औंधा, ठीक है, तो इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा आपका अवमूर्द, क्या बनेगा अवमूर्द, ठीक है, तत्सम में क्या बोलेंगे इसे हम अवमूर्द, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपका ओसक, क्या कहूँ ओसक, ठीक है, या ओधक, ओधक, देखिए ओधक का जो बनेगा आपका वो बनेगा आपका अकस्मत, क्या बनेगा आपका अकस्मत, ठीक है, अकस्मत, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक में हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, ठीक है, टाइम की वजह से। आगे हम इससे आगे आपके ये आपके स्वर के मैंने करा दिए जो शब्द बनते हैं, ठीक है, तत्सम और तत्व के, आगे हम इससे व्यंजन वाले शब्द जितने ही बनेंगे उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे, ठीक है, तो मैं कल के टॉपिक में उसको ही कराऊंगा, ठीक है, तो आपका ये टॉपिक दो दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, चैनल के साथ बने रहें, और इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, तो वहां पर इसकी PDF आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।